ना सामान बांधा है ना तैयार हुई है। बात क्या है विधि? बात यह है कि विधि के लिए अब उस घर में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप भारती जी? ये बात आपकी बेटी ने आपको बताई नहीं क्या? सूरजमुखी जी, मुझे बातें घुमा फिरा के करने की आदत तो है नहीं, इसलिए मैं सीधी सीधी बात बोलती हूँ। जब आपकी बेटी शादी के दिन भाग गए थे, तब माँ को और कुछ सूझा नहीं, तो उन्हें लगा कि वेद और विधि की शादी करा देते हैं। और वेद ने भी माँ का कहा टाला नहीं, पर आप तो टाल सकती थी ना? पर आप तो खुश हो गई कि एक नहीं तो दूसरी बेटी का तो ठिकाना लग रहा है ना? पर आप विधि से क्यों नहीं पूछते? वो जानती है कि वेद इस शादी से खुश नहीं है। मैं विधि को लेने आ गया हूं दी। अपनी समझ से तुम्हें बहुत संस्कार दे रही थी, पर गठबंधन का मोल समझाना शायद भूल गई, इसीलिए तुम यहां शादी तोड़ने की सलाह देने आई हो। मैंने आपसे कहा था ना कि ये माँ और मेरे बीच की बात है, तो आप क्यों यहाँ? ये बात तो तूने शादी के दिन पर भी कही थी ना लड्डू, और कल तू सड़क पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, और जब कल तुझे घर लाए तो यही बड़बड़ा रहा था ना कि शादी एक मजाक है। तो अब बता, ऐसी कौन सी बात है जो रह गई है तेरे और माँ के बीच? पते की बात तो ये है लड्डू कि इस घर की इज्जत अब सड़क पर आकर रह गई है, और इसका एक लौता कारण है ये शादी जो जबरदस्ती तेरी जिंदगी पे थोप दी गई। दी, अभी आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। नहीं लड्डू, हम अभी बात करेंगे, यही बात करेंगे ना। मैं तुझे अपनी जिंदगी ऐसे नरक में झोंकते हुए नहीं देख सकती। मां ने जो किया वो किया, जिस कारण से किया वो मां जाने, पर मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैं तुझे ऐसे दुख में नहीं देख सकती लड्डू। दी प्लीज, मुझे ना तेरी शादी होने ही नहीं देनी चाहिए थी, पर अब भी देर नहीं हुई है लड्डू। ये आधी अधूरी लड़की तेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। निकालिए मंगलसूत्र। तुझे कोई हक नहीं ये मंगलसूत्र पहनने का। वे तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। तेरा ये मंगलसूत्र पहना इन काले दानों का अपमान है। ये मंगलसूत्र पायल के लिए बना था जिसने इसका कोई मोल नहीं किया। निकाल से, निकाल से।